लॉकडाउन दौरान दुकाना खोलन ते मामले दर्ज। जरकपुर पुलिस वालों की गई सख्त कार्रवाई। पंजाब सरकार वालों हफ्तावारी लगाई गई लॉकडाउन दौरान स्थानक पुरानी कालका रोड ते मीट मार्केट विच कुछ दुकानदारा वालों लॉकडाउन दौरान दुकाना खोल के मीट बेचा जा रहा सी, जिस दे चलदिया जीरकपुर पुलिस वालों सख्त कार्रवाई करते हुए मौके तो तीन दुकानदारा नु काबू किया गया अते सख्त कार्रवाई की गई। इस तो इलावा लोहगढ़ रोड ते स्थित एक सब्जी की दुकान अते दुकानदार समेत कुछ खरीददार समाजिक दूरी की पालना न करते हुए इकट्ठे झुंड विच खड़े सन, जिन्हां नु काबू करके मामला दर्ज किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना मुखी जीरकपुर ओंकार सिंह बराड़ ने दसिया कि पुरानी कालका रोड ते स्थित मीट मार्केट विच कुछ दुकानदारा वालों दुकाना खोलिया गई सन, जिन्हां खिलाफ कोरोना नियमों की उलंघना करन तहत कार्रवाई की गई है। उन्हां दसिया कि FIR नंबर 213 विच लालता प्रसाद, महावीर, भोला, निर्मला देवी अते शांति खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस तो इलावा मुकदमा नंबर 214 विच विजय कुमार, मुकदमा नंबर 215 विच लाल बाबू, मुकदमा नंबर 216 विच संजीव कुमार मुखिया खिलाफ कोरोना हिदायतों दी उलंघना करन तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आओ सुनते हैं कि कहना है थाना मुखी ओंकार सिंह बराड़ दा। हां होया जी, लॉकडाउन च अज 4 पर्चे दर्ज होए हैं। तीन बच्चे जो कालका जाने लग गए, मीट की शॉपा उन्होंने खोलिया से, उत्थे उन्होंने कस्टमर दुकाना दे डील कर रहे थे। अच्छा जी, इस करके उन्होंने खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक सिकमा सिटी के लागे एक मार्केट हैगी है सब्जी की, वो मार्केट वाले ने सब्जियां जिहड़ियां उत्थे कस्टमर काफ़ी भी बच्चे कस्टमर बुलाए हुए थे। अच्छा जी, सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया सीगा ते ना ही आप रखिया ते ना ही उन्होंने मास्क नहीं पहने सीगे। एक उन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, 4 मुकदमे दर्ज हुए। इस तो अलावा और गड्डिया भी खिलोई बाउंड किए हैं ते मास्क के भी काफ़ी चलान किए। अच्छा, ये हूँ सर जो लॉकडाउन अगे बढ़े या कुछ आए चांस? हाँ, जिहड़ियां नवी गवर्नमेंट वालों गाइडलाइन आ रही हैं वो अनुसार हम नवी जी गाइडलाइन उन्होंने इंप्लीमेंट किया जा रहा है। चढ़दी कला टाइम टीवी ज़ीरकपुर तो सुखविंदर सैनी की रिपोर्ट।